दोस्तों, अभी दो तीन दिन पहले मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था और आपसे एक सवाल पूछा था, एक पॉलिंग करवाई थी कि यदि आपका बच्चा 1 से 3 या 4 साल के बीच का है, टॉडलर है, तो क्या आप उस बच्चे की जो ईटिंग बिहेवियर है, उसके खाने का जो पैटर्न है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं। मैंने सभी मदर से ये पॉलिंग करवाई थी और उसके जो अभी 3 दिन के अंदर जो उसका रिजल्ट है, उसके अंदर 63% जो मदर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम कन्फ्यूज्ड हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कभी वो अच्छा खा रहा होता है और कभी वो नहीं खा रहा होता है। और लगभग 16% जो हैं वो मदर्स जो हैं वो संतुष्ट हैं कि हाँ, हमारा बच्चा अच्छे से खा रहा है टॉडलर। और लगभग 23% जो हैं वो टेंशन में हैं, उन्हें प्रॉब्लम है कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में कि उसकी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैं एक बड़ा मैसेज आपको देने जा रहा हूँ, देखिए, ये जो 63% फिगर है, 63% जो ये फिगर आया है, ये एक बड़ा फिगर है। और मैं आपके साथ यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो एज ग्रुप है टॉडलर्स वाला, 1 से 3 साल के बीच के जो बच्चे हैं, इनका जो आप ये एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर समझ रहे हैं, जिसे आप समझ रहे हैं कि एक एबनॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। मतलब ये एबनॉर्मल नहीं है, ये इनका एक नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर है, कॉमन चाइल्डहुड बिहेवियर है ये, कि बच्चे जो हैं वो कभी तो अच्छे से खा रहा होता है और कभी नहीं खा रहा होता है। प्लीज़ उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप बजाय ये देखने के कि मेरे बच्चे ने आज कितना खाना खाया है या आज उसने कितनी कैलोरी ली है, उसके बजाय आप डेली पर नज़र मत रखिए। आप रोज़ के ऊपर नज़र नहीं रख करके आप उसका वीकली पैटर्न देखिए कि हाँ, मुझे एक टेबल बनानी है और वो टेबल मेरे बच्चे के लिए वीकली होगी। और जब आप वीकली चार्टिंग करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि बच्चे को जितना खाना चाहिए होगा, बच्चा अपनी कैलोरी पूरी ले रहा होता है। तो ये ही चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, लेकिन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि यदि ये देखा जाए कि हाँ भाई, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसके पीछे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, एक सबसे बड़ा कारण, पहला जो बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ हंगर। हो सकता है बच्चे को भूख ही नहीं है, ये मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा देखा गया कारण है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। बच्चे को भूख ही नहीं होती है, लेकिन मदर जो होती है वो उसके आगे पीछे घूम रही होती है, उसे खिलाना ही होता है। तो प्लीज़, यदि आपका बच्चा खाना नहीं चाह रहा है तो फोर्सफुल फीडिंग बिल्कुल मत करें। इससे बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, वो जो खाना वो खा भी रहा होगा या वो जो फूड आप उसे दे रहे होंगे उसके लिए उसको वो रिजेक्ट करने जाएगा। तो लैक ऑफ हंगर, आपका बच्चा नहीं खाना चाह रहा है, आप उसे उसके पीछे मत पड़िए। आपकी जो वो फूड टेबल है उसे जंग का मैदान मत बनाइए कि नहीं, मैं खिला करके ही छोड़ूंगी। दूसरा कारण, फूड फोबिया। मतलब आप जब भी नया खाना इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, यूजुअली ये देखा गया है कि नया खाना है, नया फूड जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चा उसे रिजेक्ट करता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये फूड फोबिया एक कॉमन चीज़ है बच्चों के अंदर। यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, जो भी बच्चे का एक फेवरेट फूड है, कोई भी नया उसका फेवरेट फूड, कोई पुराना जो फेवरेट फूड वो पसंद करता है, आप उसके साथ इसे मिक्स कर दीजिए जो आप नया फूड उसे खिलाना चाह रहे हैं। प्रोबेबली ये सबसे अच्छा तरीका है आपको नए फूड को इंट्रोड्यूस करने का। तीसरा कारण, किसी भी प्रकार की कोई इलनेस, कोई भी परेशानी, बच्चा बीमार है, कुछ खांसी जुकाम हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन किसी भी तरह का, उसे रूल आउट कीजिए। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? यस, यदि दर्द है, पेट के दर्द से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में देखी जा रही है वो है कॉन्स्टिपेशन। बच्चा बहुत हार्ड स्टूल पास कर रहा होता है, आप खुद भी देख रहे होंगे अपने घरों के अंदर, और दो दो तीन तीन दिन तक नहीं जाता है, और जब जाता है तब बहुत परेशानी के अंदर होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसे, बहुत दर्द होता है। तो यदि कॉन्स्टिपेटेड है आपका बच्चा, उसका ईटिंग बिहेवियर ख़राब होगा, ऐसी स्थिति के अंदर पहले उसके कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराइए, उसके बाद हम उसके बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड मेरे 3 वीडियोस हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके इन 3 वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक और चीज़ कि हाँ, आज बच्चे का खाने का मन नहीं है, ऑफ डे कॉमन है ये। मैंने अभी आपको बताया ना कि डेली पैटर्न पे मत जाइएगा, आप वीकली देखिए, एक चार्टिंग कीजिए और वीकली देखिए। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ तो तय है, कन्फर्म है कि जो भी कारण है, चाहे बच्चे को इसमें से कुछ भी कारण रहा हो, उसे भूख नहीं लग रही है, उसे कोई नया फूड का फोबिया हो रहा है, कोई इलनेस हो रही है, ऑफ डे पर है, कॉन्स्टिपेटेड है, चाहे जो भी कारण है, मेरा एक सजेशन है आपको कि प्लीज़ बच्चे के साथ फोर्सफुल फीडिंग मत कीजिए, उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइए।
आप खुद बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बच्चा आपको बहुत अच्छे से जज कर रहा होता है, बहुत अच्छे से रीड कर रहा होता है, वो डर जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बच्चे के साथ उसका कुछ आपको लगे कि हाँ वो कुछ एक्सेप्ट कर ले खाने को। पहली चीज़ तो कि किसी भी तरह का कोई मील टाइम पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है वो है मोबाइल्स। आप मोबाइल दिखाते हुए बच्चे को खाना खिला रहे हैं, और मज़ेदार चीज़ कि ज़्यादातर बच्चे उस समय उस खाने को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग बहुत चीज़ इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं, आपको भी पता है मोबाइल दिखाते हुए बच्चे को खाना नहीं खिलाएं, उसके अपने नुकसान ज़्यादा हैं। उसकी बजाय आप दूसरी चीज़ें उसके साथ बात करते हुए, जैसा पहले की मदर्स किया करती थी, आप उसके साथ बातें करें, ठीक है ना। कोई चीज़ बाहर घूमते घूमते आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बातों का जो कन्वर्सेशन करते करते, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप खुद टेस्ट उसके सामने दिखाइए कि आप खा रहे हैं, और वो आपके हाव भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उस समय बच्चा जो है उसे एक्सेप्ट करेगा। अप्रोप्रिएट फूड पोर्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर आप बच्चे के साथ जब खाना लेकर के बैठ रहे हैं तो उसे ज़्यादा दे रहे हैं। हो सकता है उसने कुछ खाना खाया, चाहे उसने एक स्पून ही लियो, दो स्पून लियो, लेकिन आपका उद्देश्य ये कि वो जो कटोरी है वो पूरी फिनिश करवानी है, और बच्चा उसके बाद रिफ्यूज कर रहा है, तो जहां वो रिफ्यूजिंग साइन दे रहा है, बच्चा खाना नहीं चाह रहा है, वहां पर उसके बाद उसे ज्यादा नहीं खिलाना है। इसलिए जो फूड का जो पोर्शन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस बच्चे के साथ में, आप प्रेशर कर रहे हैं, अगेन वापस वही चीज़ आ गई। ज़्यादातर केसेज में यही है कि बच्चे के साथ प्रेशराइज नहीं करें, और पेन रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन वाला जो मैंने आपसे पार्ट बात करी है, इन सब चीज़ों में यदि बच्चा बीमार है उसे दिखाइए, बच्चा ठीक होगा खाना एक्सेप्ट कर लेगा। कॉन्स्टिपेशन उसके लिए आप जरूर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है इस एज ग्रुप के अंदर बच्चों में, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है, कैसे उसको ट्रीट करें, आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके आसपास में जो पीडियाट्रिशियन है उनको दिखाइए आप अपने बच्चे को। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। हेल्थ का बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आपका बच्चा स्टूल डेली पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सॉफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हार्ड तो नहीं आ रहा, उसे दर्द तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ बातें थी जो मैंने अपनी पोलिंग कराई थी, उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। 63% एक बड़ा फिगर है। आप सभी मदर्स को समझना चाहिए कि कन्फ्यूज वाला जो पार्ट था आपने उसको टिक किया है, मतलब कि बच्चा कभी सही खाता है, कभी कम खाता है, कभी ज़्यादा खाता है, ये उसका एक नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर है टॉडलर्स का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।